तो आज का हमारा वीडियो है टीवी क्विक एक्शन के बारे में। आप अपनी एंड्रॉइड टीवी में कई सारे क्विक एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिनकी मदद से आप अपनी एंड्रॉइड टीवी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप इजीली अपनी एंड्रॉइड टीवी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको माउस मोड मिल जाता है और यहाँ पर आपको कई सारे और भी सेटिंग है जिनकी मदद से आप इजीली अपनी एंड्रॉइड टीवी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली यहाँ पर माउस यहाँ पर वर्किंग है। और ये एप्लीकेशन में आपको कई सारे यहाँ पर जो अलग अलग क्विक सेटिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिनकी मदद से आप अपनी एंड्रॉइड टीवी में कई सारे यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुक मोड है, यहाँ पर आपका जो पॉपुलर एप्लीकेशन है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर एप्लीकेशन यहाँ पर आप एक ही क्लिक में यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर रिसेंटली एप्लीकेशन, आपके जो रिसेंटली एप्लीकेशन आपने जो भी ओपन किए हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यानी इसको आपको एक ही बार में क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर किल वाला एप्लीकेशन है, आप सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर क्लीन हो जाएंगे, तो आपकी एंड्रॉइड टीवी का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे एप्लीकेशन एक ही क्लिक में चले गए बैकग्राउंड से। तो बेस्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कई सारे और भी फीचर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर वाईफाई है, कई सारे और भी आप फीचर इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। आप ही एक ही एप्लीकेशन में कई सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा एप्लीकेशन भी अपनी एंड्रॉइड टीवी में डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वाईफाई का ऑप्शन है, वाईफाई ऑन ऑफ, और टीवी की स्क्रीन रोटेट करनी हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन है वो आप अपनी टीवी में जब भी यहाँ पर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऐसी आती है, तो इसको रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से इजीली टीवी की स्क्रीन भी रोटेट कर सकते हैं, आपको जैसी करनी हो वैसी कर सकते हैं। तो बेस्ट यहाँ पर क्विक सेटिंग आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर कई सारे और भी फीचर्स है, आप सभी फीचर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, HDMI का डायरेक्ट पोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा, एक ही क्लिक में यहाँ पर आपका जो सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पर जो आपका टीवी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। वरना यहाँ पर आपके एंड्रॉइड टीवी में कोई भी एप्लीकेशन नहीं आता जिनकी मदद से आप टीवी की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये देख सकते हैं आप ये रिकॉर्डिंग सेव भी कर सकते हो, दूसरे फ़ोन में भी यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, सारे के सारे यहाँ पर क्विक सेटिंग है, और भी आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे अपनी एंड्रॉइड टीवी में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, किसे इसकी सेटिंग करनी है, मैं आपको सब बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है वो यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी एंड्रॉइड टीवी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी शो यहाँ पर रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड भी इजीली कर सकते हैं, और आप बाद में भी देख सकते हैं। तो बेस्ट फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, माउस भी प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करता है। अगर आपको कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन है वो आपको अपनी एंड्रॉइड टीवी में यूज़ करना है तो आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो स्क्रीन है वो रोटेट करनी हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कई सारे और भी फीचर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले ये एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझना है और सारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है, बाद में ही आपको ऐप इंस्टॉल करना है, और ऐप आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो परमिशन मांग रहा है वो परमिशन आपको यहाँ पर दे देनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही येलो करेंगे तो नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है स्पेशल ऐप एक्सेस में। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ओवर अदर ऐप में चले जाना है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है टीवी क्विक एक्शन उसका यहाँ पर परमिशन आपको एलो कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टीवी क्विक एक्शन प्रो, यहाँ पर इसकी जो परमिशन है उसको आपको एलो कर देना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू लिखा आ जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसको आपको डिसेबल करना है। तो फिर से आपको यहाँ पर स्पेशल ऐप एक्सेस में चले जाना है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पहले ऑप्शन में चले जाना है और इसको आपको ऑफ करना है। तो यहाँ पर आपको टीवी क्विक एक्शन यहाँ पर आपको देखना है, फिर उसकी जो परमिशन है उसको आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा टीवी क्विक एक्शन प्रो, तो इसकी जो सेटिंग है उसको डिसेबल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा सारी सेटिंग कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट एसेबिलिटी सर्विस, तो यहाँ पर भी आपको एग्री कर देना है। तो फिर यहाँ पर आपको परमिशन ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको डिवाइस प्रेफरेंस में चले जाना है, देन यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। नीचे एसेबिलिटी की सेटिंग आपको दिखाई देगी, वहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी क्विक एक्शन प्रो, यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन कर दीजिए। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एंड्रॉयड टीवी के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग भी करना रहेगा, तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बटन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ऐड करना है। तो पहले आपको यहाँ पर एडीबी की सेटिंग कर देनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीबी यहाँ पर आपको सेटिंग कर देनी है। यहाँ पर जो भी परमिशन डिसेबल है उसको यहाँ पर इनेबल कर देना है, माउस की परमिशन यहाँ पर इनेबल कर देनी है, यूज़ एडीबी फॉर बटन है, वो सारे बटन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सभी को परमिशन यहाँ पर आपको इनेबल कर देनी है ताकि आपका जो क्विक एक्शन है वो सारी की सारी प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी यहाँ पर आपको सेटिंग दिखाई देगी और सारी की सारी सेटिंग यहाँ पर आपको इनेबल कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, एक स्टेप आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी, देन आपको यहाँ पर बटन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पर बटन ऐड करना है। तो बटन आपको कैसे ऐड करना है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऐड बटन का, आपके रिमोट से कोई भी जो एक क्विक पैनल ओपन करने के लिए यहाँ पर कोई भी बटन आप ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका नॉन यूज बटन हो वो उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका जो नॉन यूज भी बटन हो वो सारे के सारे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर होम बटन ऐड कर दिया है। तो ऐसे आपको कोई भी बटन यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे एक्शन यहाँ पर ऐड करने हैं। तो सारे एक्शन आपको कैसे ऐड करने हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, एक फीचर्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ से आपको कोई भी आपका जो एक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अप में यहाँ पर माउस कर्सर यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ऐसे आप कई सारे सेटिंग अपने हिसाब से यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पर आप एक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, मेन्यू पैनल मिल जाएगा, यहाँ पर टीवी इनपुट का यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुक विथ एप्लीकेशन, तो जो आपको कंट्रोल पैनल में एप्लीकेशन सारे के सारे दिखाई देंगे, जो आपका बेस्ट एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डुक वाला ऑप्शन है, फिर यहाँ पर डार्क मोड है उसको ऑन कर देना है। सिंपली जो आपको ये एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन है उसको आपको ऐड करने के लिए उसको आपको अनटिक रखना है, जो भी आपको ऐड नहीं करना है उस सबको टिक कर देना है और जो आपको एप्लीकेशन रखना है उसको अनटिक रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अनटिक रखे है वो बेस्ट एप्लीकेशन है मेरे, तो मैं यूजली एक ही क्लिक में यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन मेरे जो बेस्ट एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन यहाँ पर है, तो जो बेस्ट एप्लीकेशन है उसको आपको अनटिक रखना है, तो आपके क्विक पैनल में वो एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो एक ही क्लिक में आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है, बटन हमने जो होम वाला रखा है तो हमने लेफ्ट बटन से जो हमारे एप्लीकेशन है वो रखे, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर माउस है, फिर यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेशन यहाँ पर रखे हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप इजीली ओपन कर सकते हैं। तो फिर अदर सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आपके हिसाब से यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं, डाउन बटन से कोई भी एक्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कई सारे एक्शन आपको मिले जाएंगे। यहाँ पर आपको वही एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करना हो तो एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप कई सारी सेटिंग यहाँ पर आप मेन्यू पैनल में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। एक साथ आपको मल्टीपल एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन भी रखना हो तो रख सकते हैं। फीचर्स में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे जो पैनल में रख सकते हैं वो यहाँ पर आपको रख देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं। ब्लूटूथ भी यहाँ पर आप रख सकते हैं या ऐप किलर भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। कोई भी आपको बेस्ट लगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर हम एक साथ कई सारे भी ऑप्शन मल्टीपल पैनल में भी ऐड करेंगे ओके बटन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस्ट हो वो आप रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ को ही यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरे सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन हो गए है कंप्लीट। फिर यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक आना है मल्टीपल पैनल ऐड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल रख देना है। फिर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यू रख देना है। फिर यहाँ पर आप आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आइकन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा मेन्यू पैनल के लिए जो हमारा बीच वाला ऑप्शन है उसके लिए हम मेन्यू पैनल ऐड करेंगे, उसमें आप कई सारे एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन में आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर आप मल्टीपल एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ओपन सेटिंग है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मल्टीपल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर रखना है, सब आप ऐड कर सकते हो। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जो बेस्ट लगे वो आपको ऐड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। टीवी के इनपुट भी मिल जाएंगे, जो हमारा HDMI होता है उसका इनपुट भी आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली शॉर्टकली आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टार्ट है, पावर ऑफ है, वो भी ऑप्शन यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आपको जो बेस्ट लगे यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीव्यू ऐप का भी ऑप्शन है। कई सारे यानी आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेमलेस पैनल, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। कई सारे और भी यहाँ पर एक्शन आप ऐड कर सकते हैं, उसको यहाँ पर आपको सेव करना है यूजर्स चैनल ऑन होम स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया यहाँ पर सेव। फिर यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार एक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, ओके वाली अभी भी नहीं आई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओके बटन में मेन्यू पैनल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से आपको बटन वाले ऑप्शन में चले जाना है और हमारा जो बटन होम है वही ले लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके बटन के लिए आपको मेन्यू पैनल सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके जो सारे के सारे एक्शन आपने जो ऐड किए हैं, मैंने यहाँ पर 6 एक्शन ऐड किए हैं, आप मल्टीपल एक्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रिसेंट एप्लीकेशन आ गई है। कई सारे और भी फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। ऐप किलर भी आपको ऐड करना हो तो ऐप किलर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि एक ही क्लिक में आपके जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है वो यहाँ पर क्लीन कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप ऑल एप्लीकेशन क्लीन, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो एक ही क्लिक में यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन क्लीन कर सकते हैं, तो आपकी टीवी फास्ट भी वर्क करेगी। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे और भी फीचर्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बेस्ट एप्लीकेशन है, आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर दिखाई देगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है जियो टीवी यूज़ करने के लिए। फिर उसमें स्क्रीन रोटेट भी मिल जाएगा, कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन आप अपने टीवी में भी यूज़ कर सकते हो। तो अदर सेटिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसमें आपको सर्च करना है टीवी क्विक एक्शन प्रो। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है टीवी क्विक एक्शन प्रो, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। इजीली आप अपनी एंड्रॉयड टीवी में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं टीवी क्विक एक्शन प्रो। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना, तो आप इजीली अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे इसमें बेनिफिट है और आप ऐड भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।